भोदीपदेव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंदकृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्तिरो भव। दीपक की प्रार्थना है ये, दीपक की प्रार्थना है और दीपक ऐसे ही जलाना चाहिए। सबसे पहले तो आपका अखंड दीपक पूरी तरह से स्पष्ट साफ शुद्ध और अच्छा कर ले। धुलने के बाद भी इसे गंगा जल से धुलना बहुत आवश्यक है क्योंकि देवता है अपने आप। अखंड ज्योति किसी भी पात्र में रखना चाहिए, डायरेक्ट जमीन पर या फर्श पर या चौकी पर नहीं रखना चाहिए। जिस भी आप आसन पर रख रहे हो उसे, जिस पात्र में आप रख रहे हो उस चावल, उस पात्र में थोड़े चावल डालिए, थोड़े अक्षत डालिए, उसके ऊपर उसको स्थापित कीजिए। दीपक के नीचे एक पर्चे पर अपनी मनोकामना लिखकर जलाने वाले व्यक्ति की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। दीपक के नीचे सिंदूर रखने वाले का विवाह जल्दी होता है। दीपक के नीचे थोड़ा सा शहद दिए में रखकर, मिट्टी का दिया आता है ना, उसमें शहद भरकर दिए के नीचे रख दें। दिया के नीचे भी कटोरी जैसा होता है ना, उसके नीचे रख दें, रोग नहीं आता उसके आसपास, असाध्य रोग दूर हो जाते हैं। थोड़ा सा अगर सरसों रख दें तो शत्रु और केस खत्म हो जाते हैं, जो कोर्ट कचहरी इत्यादि की प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी उल्टी सीधी कोई भी चीजें हो, थोड़े से उड़द के दाने उसके नीचे रख दीजिए। देखिए आपको कितना मजा आने वाला है, आनंद आएगा अगर आप ये करेंगे तो। दिए में तीन चक्कर कलावे के बांध कर रखना चाहिए दिए को, वो स्थापित होता है ऐसा करने से। दिए की बत्ती हमेशा सूती कलावे से मौली से बांधनी चाहिए। योन बद्धे बली राजा दानवेंद्रो महाबला तेन तुमाम प्रतिपदनाति रक्षे माचल माचल। उस कलावे से शुद्ध जो थोड़ा सूती वाला होता है ना, उस कलावे से बनानी चाहिए बत्ती। बीच में अखंड दीपक में जो पीतल का ही वो डंडी होती है जिसमें बत्ती डालते हैं, उसमें कलावे की दिया डालें। उसमें किसी प्रकार का कोई रुई इत्यादि का इस्तेमाल नहीं करने की आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है। अब क्या करना है, ये कलावा संभव हो सके तो अपने ही हाथों से 3-3.5 हाथ का नाप करके कलावा लें और उसकी बत्ती बनाएं जो साधक हो, और इस कलावे को कच्चे दूध केसर हल्दी अष्टगंधा इत्यादि का लेप बनाएं और उसमें इसको गीला करके निचोड़कर सुखा लें, फिर इसको डालें और दीपक चलावें, दीपक प्रज्वलित करें। दिए में पहले खूब सारा घी या तेल भरना चाहिए। घी और तेल में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो देशी घी का करें, सामर्थ्य थोड़ी कम दी है माता ने तो आप तेल का भी। तेल में कोशिश करना चाहिए कि तिल का तेल हो तो बहुत अच्छा है, सरसों का भी चलता है, कोई ऐसी आपत्ति बात नहीं है। अब दिया जलाकर देवी से प्रार्थना करें कि इसे आपको अखंड दीपक बनाए रखना है। ये दीपक तो हमने बनाया है, इसकी अखंडता इसकी सौभाग्यता बढ़ाना आपका काम है माता, ऐसी प्रार्थना करके दीपक चलाएं। दीपक हमेशा पूजा करने वाले के साधक के दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। जहां पूजा करने बैठे हैं चौकी के दाहिनी तरफ दीपक चलाइए। पहला एक पात्र रखिए, पात्र पर कोई अनाज रखिए, अनाज के ऊपर दीपक स्थापित करिए, दीपक पे कलावा लगाइए, उसका रोली क्षतगंध चावल से पूजन कीजिए और उसमें तेल या घी भर करके उसे प्रज्वलित कीजिए। दीपक प्रज्वलित करने के लिए डायरेक्ट दिया सलाई और माचिस से नहीं जलाना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है और आपके पूर्वज नाराज होते हैं, आपके घर की बुरी शक्तियां ताकतवर हो जाती हैं। कैसे जलाना चाहिए, एक कलावे में थोड़ा सा कपूर बांध लें, संभव हो सके तो 2 जोड़ा लौंग भी उसमें बांध लें और उसमें जलाकर लटकाकर उस
ज्योति में रख देना चाहिए ताकि वो ज्योति प्रज्वलित हो जाए। ये विधि दीपक जलाने की। अखंड दीपक जलाने वाला व्यक्ति शुद्ध और परम स्नेही होना चाहिए। उसकी जिम्मेदारी होती है कि रात में सुबह में उसको देखता रहे और चेक करता रहे, समय समय पर उस पर घी डालना, बत्ती को ऊपर करना। एक चिमटी आती है, उससे धीरे धीरे ऊपर कर सकते हैं अगर वो नीचे खिसक गई हो तो, ऊपर का जल गया हो तो। दीपक जितनी बार आप पूजन करने जाएं, अपने हाथ में थोड़ा जल लेके उसके चारों तरफ घुमाकर 3 बार डालना बहुत आवश्यक है। ऐसा करने से आपकी पूजा सार्थक होती है। जितनी बार भी पूजा करने बैठे, रोली अक्षत लगा करके एक पुष्प दिया के पास रखकर प्रार्थना करें, मेरी पूजा की सफलता के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको कहना पड़ेगा, मेरा हर पल हर क्षण शिवमय हो रहा है और सुखमय हो रहा है।